सब का तो आ गया बहुत चमकता हुआ स्कूल जाओगे तो रिश... आप रिक्शा इसी में चेहरा देखोगे सिल्वर के लिए पहले परेशान थे देखो गोल्डन आ गया डायमंड कब मिलेगा आपका दो मिलियन हो जाएगा तो दो मिलिन दस, दस मिलता है। खेसारी लाल यादव सोफे पर बैठे रहते हैं उनके बेटे ऋषभ यादव उनके पास आते हैं और खिसारी लाल यादव से बताते हैं कि पापा देखिए मेरा गोल्डन बटन भी आ गया खिसारी लाल यादव जो ऋषभ यादव को गोल्डन बटन आया हुआ था यूट्यूब की तरफ से वो हाथ में लेते हैं देखते हैं और खुश होते हुए ऋषभ को शबाशी देते हैं और शबाशी देते हुए खिसारी लाल यादव अपने बेटे से कहते हैं कि वाह ऋषभ तुमने तो वो कर दिया जो लोग चार साल पाँच साल में नहीं कर पाते हैं लोगों को एक सिल्वर बटन नहीं मिलता है और तुम तो गोल्डन बटन भी ले आए तुम तो कमाल के हो तुम तो हमसे भी आगे निकल गए और जब ऋषभ अपने पापा की ये शबासी देख रहे थे सुन रहे थे तो ऋषभ अंदर ही अंदर बहुत खुश होते हैं वो कहते हैं कि पापा मैं तो आपसे भी आगे निकल गया इसके बाद खिसारी लाल यादव और उनके बेटे ऋषभ यादव ये दोनों मिलकर सिल्वर बटन खोलते हैं देखते हैं और खिसारी लाल यादव के चेहरे पर वो मुस्कान देखने लायक थी खिसारी की वो स्माइल वो हंसी ये बयां कर रही थी कि अपने बेटे की सफलता पर खिसारी लाल यादव कितने खुश हो रहे थे आगे आपको बताते हैं कि खिसारी लाल यादव अपने बेटे ऋषभ यादव से कहते हैं कि ये लो सिल्वर बटन और जाओ अपनी मम्मी का आशीर्वाद ले लो सामने चंदा देवी खड़ी रहती हैं ऋषभ सिल्वर बटन लेकर अपनी माँ चंदा देवी के पास जाते हैं और चंदा देवी का पैर छूकर बकायदा ऋषभ आशीर्वाद लेते हैं ऋषभ जब अपनी माँ के पैर में झुकते हैं तो चंदा देवी ऋषभ को गले लगा लेती हैं माथे पर किस करती हैं चुम्बन देती हैं और ये देखने के बाद लग रहा था कि वाकई खिसारी लाल यादव सच में संस्कार से परिपूर्ण है ऋषभ अपनी माँ का पैर छूकर आने के बाद खिसारी लाल यादव का पैर छूते हैं अपने पिता का आशीर्वाद लेते हैं और ये देखने के बाद लगता है कि वाकई लाल यादव काबिले तारीफ है अपने बेटे की छोटी सी सफलता पर या फिर ये कहिए कि खिसारी लाल यादव इतने संस्कारिक हैं कि उनको पता है कि अगर घर में छोटी सी भी खुशी आई है या बड़ी भी खुशी आती है तो खिसारी अपना संस्कार कभी नहीं भूलते हैं खिसारी लाल यादव के आप सबसे बड़े विरोधी हो सकते हैं खिसारी को बहुत सारी चीजों के लिए सोशल मीडिया पर लगातार ट्रॉल किया जाता है लोग कहते हैं कि खिसारी को तमीज नहीं है खिसारी को बोलने नहीं आता है खिसारी को तरीका नहीं पता है लेकिन जब आप खिसारी लाल यादव के बेटे ऋषभ यादव का ये व्लॉग देखिएगा आपको ये क्लिप सोशल मीडिया पर दिखेगा तो आपको खिसारी लाल यादव से प्यार हो जाएगा और आप खिसारी लाल यादव की तारीफ किए बिना नहीं रहिएगा प्ले बटन आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है लेकिन वो भी खिसारी लाल यादव के लिए जिसके खुद इतने सारे फॉलोअर्स हैं लेकिन वो अपने बेटे के छोटी सी सफलता पर इतने ज़्यादा खुश होते हैं कि वो अपनी तुरंत अपने बेटे से कहते हैं कि अपनी मम्मी का आशीर्वाद लो और अपनी मम्मी को ये बताओ ये महसूस कराओ कि उन्होंने ऐसा बेटा पैदा किया है जो एक साल में दो दो बटन लेकर आया एक गोल्डन बटन और एक सिल्वर बटन और ऋषभ यादव की सफलता पर खिसारी लाल यादव उनकी टीम के लोग उनकी पत्नी काफ़ी खुश थे और ऋषभ यादव बाकायदा कहते भी हैं कि मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं मेरे जो भी चाहने वाले मुझे देखने वाले उन सबका थैंक यू धन्यवाद आप लोग ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए लाल यादव कहते हैं कि बेटा कितना मिलियन हो जाएगा तो आपको डायमंड बटन भी मिलेगा खिसारी लाल यादव के बेटे अपने पापा को समझाते हैं कि पापा टेन मिलियन हो जाएगा तो जल्दी हमारे घर में डायमंड बटन भी आएगा बाकी ये देखने के बाद कहीं ना कहीं हमको लगा कि खिसारी लाल यादव के बारे में आपको बताना चाहिए उस खिसारी लाल यादव के बारे में जो ब्राह्मणों की बहुत इज्जत करता है उस खिसारी लाल यादव के बारे में जो अपने से बड़ों की इज्जत करना नहीं भूलते उस खिसारी लाल यादव के बारे में जो अपने बेटे अपने बच्चों को भी ये बताते हैं कि बड़ों का कैसे सम्मान करना है बड़ों के चरणों में कैसे झुक कर रहना है और ये देखने के बाद लगता है कि खिसारी लाल यादव की सारी बुराइयां एक तरफ लेकिन उनकी अच्छाई सारी बुराइयों पर भारी पड़ जाती है इसके साथ वीडियो को समाप्त करते हैं मिलते हैं नए वीडियो में धन्यवाद